दोस्तों, चिपसेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी उसका प्रोसेसर किसी भी मोबाइल का बहुत ही ज़रूरी या फिर कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग तरह की रेस लगी हुई होती है और जो सबसे ज़्यादा बेहतर काम करता है वही छाया रहता है पूरी मार्केट में। आपने एप्पल का जो चिपसेट है वो सुना होगा, इसके अलावा क्वालकॉम का सुना होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एप्पल की तरफ से आने वाले A14 बायोनिक चिप के बारे में, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, A to Z बात करेंगे। इसके अलावा जो क्वालकॉम की तरफ से आने वाला उनका सबसे फास्ट जो है चिपसेट है, यानी स्नैपड्रैगन एप्पल एड जो है वो आपको को इस वीडियो में हम कंपैरिजन करके दिखाएंगे पूरी डिटेल के अंदर, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे आपको कोई सा भी अगर प्रोसेसर चूज़ करना पड़े तो वो आप किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसके फीचर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूँ अमन सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि कोई सा भी स्मार्टफोन आने वाला होता है एप्पल की तरफ से, तो वहाँ पर आपको अलग से नए चिपसेट देखने को मिलते हैं। उसके अंदर फास्ट जो उसके प्रोसेसर होता है वो पहले से ज़्यादा फास्ट होता है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होते हैं। इसी तरीके से जो क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन के अलग अलग सीरीज होती हैं तो उसके अंदर भी आपको कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटेल में सारी चीज़ें, तो वन बाई वन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट आता है कंपेरिजन के अंदर वो होता है उसका अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट की अगर बात करें तो एप्पल की तरफ से आने वाला A14 बायोनिक चिप जो है वो सितंबर 2020 में जो है वो अनाउंस हुआ था। इसके अलावा जो स्नैपड्रैगन 888 है वो दिसंबर 2020 में अनाउंस हुआ था। उसके बाद अगर पीसी डेस्टर की बात करें, यानी इससे पिछले वाला जो इसका चिप सेट होता है किसी भी कंपनी का जैसे एप्पल का, तो A13 बायोनिक था और स्नैपड्रैगन में जो था वो स्नैपड्रैगन 865 था। इसके अलावा जो बात करते हैं साइज की, तो आपने सुना ही होगा ट्रांजिस्टर का जो साइज होता है वो 5 नैनोमीटर का है, दोनों का सेम ही है। यानी ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला है जिससे आपको बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो एप्पल के A14 बायोनिक में 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, वहीं पे स्नैपड्रैगन S888 में 10 बिलियन जो है वो ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, यानी एप्पल के मुकाबले थोड़े से कम है। अब अगर कोर की बात करें तो एप्पल A14 बायोनिक में 6 कोर है, तो इसके अंदर जो 2 कोर है वो 3.1 GHz की आयरस्टॉर्म कहलाती है और जो 4 है वो 1.8 GHz की है जो आयरस्टॉर्म कहलाती है। वहीं स्नैपड्रैगन S888 में अगर बात की जाए तो जो पहली कोर है वो 2.84 गीगाहर्ट्ज की जो है जो कॉर्टेक्स A1 के नाम से आती है, वहीं 3 जो कोर है वो 2.42 गीगाहर्ट्ज की है कॉर्टेक्स A78 के नाम से आती है, जो 4 कोर है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज की है जो कॉर्टेक्स A55 के नाम से आती है। अब बात करते हैं क्लॉक स्पीड की, तो एप्पल का A14 बायोनिक में 3100 MHz जो उसकी क्लॉक स्पीड है, वहीं स्नैपड्रैगन S888 में 2840 MHz आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें जीपीयू की, तो एप्पल की तरफ से आने वाला जो जीपीयू है वो उनका अपना है, उसमें एक्सीक्यूशन यूनिट जो है वो 4 है। वहीं बात करें स्नैपड्रैगन S888 में Adreno 660 का यूज किया गया है जिसमें एक्सीक्यूशन यूनिट जो है वो 2 है। अब बात करते हैं कि जो ऑपरेशन होते हैं पर सेकंड के हिसाब से, जो ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड है वो किस हिसाब से है, तो A14 बायोनिक में 11 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड होते हैं, वहीं स्नैपड्रैगन S888 में आपको 26 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं रैम सपोर्ट की, यहाँ पर जो A14 बायोनिक में है वो 6 GB मैक्सिमम रैम सपोर्ट कर सकता है जिसका मॉडल है LPDDR4। अगर बात करें स्नैपड्रैगन S888 की, तो वहाँ पर आपको 24 GB मैक्सिमम रैम सपोर्ट करता है और उसका जो मॉडल है वो LPDDR5 है। अब बात करते हैं स्टोरेज की, तो A14 बायोनिक में NVMe टाइप की जो है स्टोरेज है। अगर बात करें S888 में तो जो सपोर्ट करता है वो UFS 3.0 और 3.1 के हिसाब से वो सपोर्ट करता है। बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरे की जो डिटेल है वो A14 बाइक में निकल कर नहीं आई है कि मैक्सिमम कितना कैमरा सपोर्ट करता है, लेकिन वीडियो जो है वो 4K 60 FPS पे आप उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात करें स्नैपड्रैगन 888 की, तो वहाँ पर आप मैक्सिमम 200 MP का कैमरा यूज कर सकते हैं जो 8K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अब बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की, तो A14 में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, वहीं स्नैपड्रैगन 888 में
आपको क्विक चार्ज 5 का सपोर्ट मिलता है जो 100 वाट प्लस तक की आपको फास्ट चार्जिंग देती है। F14 बायोनिक चिप के अंदर आपको 5G मिल जाता है। स्नैपड्रैगन में भी आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करें ब्लूटूथ की तो F14 बायोनिक में 5.0 ब्लूटूथ वर्जन है और स्नैपड्रैगन 888 में 5.2 का वर्जन आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करें वाईफाई की तो दोनों में ही वाईफाई 6 का यूज किया गया है। अब बात करते हैं बेंचमार्क की तो बेंचमार्क में F14 में आपको 6,09,369 अंतुतु बेंचमार्क देखने को मिलता है। वहीं स्नैपड्रैगन 888 में अंतुतु का जो बेंचमार्क है वो है 7,26,287। गीक बेंच 5 की बात करें तो यहाँ पर एप्पल का जो स्कोर निकल कर आता है वो सिंगल कोर के अंदर 1,605 है और मल्टी कोर में जो है वो 3,915 है। बात करें गीक बेंच 5 की S888 में तो वहाँ सिंगल कोर में 1,129 जो है वो स्कोर निकल कर आता है, सिंगल कोर में मल्टी कोर के अंदर 3,764 आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की कि किस स्मार्टफोन के अंदर आपको ये वाले चिपसेट देखने को मिल सकते हैं। F14 की बात करें तो यहाँ पर iPad Air 4th जनरेशन आपको ये चिपसेट देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर बात करें iPhone 12 की, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, यहाँ आपका A14 बायोनिक चिप है, इन स्मार्टफोन में आपको ये चिप देखने को मिलेगी। अगर बात करें S888 में आपको कौन से स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाले हैं तो Xiaomi MI11 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वहीं Xiaomi MI11 Pro में आपको देखने को मिलेगा, Sony Xperia 1/3 में आपको मिलेगा, OnePlus 90 में, OnePlus 10 Pro में, Oppo Find X3 में, Asus Zenfone 8 में, iQOO 8 5G में, Realme Flash 5G में आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों ये रहे थे कुछ कंपैरिजन जिसके बिहार पे आप एक स्मार्टफोन के अंदर का कोई सा चिपसेट चूज करना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे थे कौन सा स्मार्टफोन जिसके अंदर ये चिप आती है वो बेस्ट रहेगा तो सारे आपको नंबर वाइज बता दिए हैं कि कौन कौन सी चीजें किस हिसाब से एक दूसरे से अलग है, क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर, आप सारी चीज मिल जाती है जो मेन होती है। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी इस कंपैरिजन में। अगर आपको लगता है कि कुछ और बेहतर इंप्रूवमेंट हो सकता था तो आप अपना सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सी चीज डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया हैंडल मिल रहे होंगे, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।